बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन, आप देख रहे हैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से एक मालूमाती प्रोग्राम जिसमें मैं हूँ आपकी होस्ट नूर निसा। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्मी सिटी तकरीबन रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मबनी होते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू की जाती है। कुछ आपको हेल्थ और फिटनेस पर मालूमात फराहम करते हैं, तो कभी हम आपको टेक्नोलॉजी साइंस और इससे रिलेटेड मालूमात फराहम करते हैं, कभी हम आपको यूथ के डेली प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कोई प्रोग्राम देते हैं, तो कभी हालात हाजरा पर कोई भी गुफ्तगू करने के लिए किसी खास मेहमान को बुलाया जाता है। इसी तरह आज हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है माहम सुल्तान। वो इल्मी सिटी पर एक एंकर हैं, होस्ट हैं, सीनियर एंकर हैं। सबसे पहले तो माहम आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच नूर, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बोलने के लिए मौका दिया। इंशाल्लाह हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया माहम, आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो है कामयाबी के गुर। कामयाबी हर इंसान के लिए बहुत अहम है। ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि आपको किसी ना किसी शोबे में, किसी ना किसी बात में, किसी प्रोफेशन में या किसी और मैदान में, खेल के मैदान में, एग्जाम्स में या कहीं पे आपको कामयाब होना होता है, कामयाबी को हासिल करना होता है। तो आज माहन से हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कामयाबी दरअसल है क्या। हर एक की अपनी अलग डेफिनेशन होती है, तो कामयाबी है क्या, कामयाबी के गुर क्या हैं, और मुख्तलिफ जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स जिनसे कामयाबी को हासिल किया जा सकता है, उनको किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है कि आप कामयाब इंसान बन सकें। तो माहन, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। आप हमें प्लीज जी बताएं, इस बात से आगाह करें कि कामयाबी दरअसल है क्या। जी बिल्कुल नूर, कामयाबी हर इंसान इसे अपने तौर पे डिफाइन करता है कि उसके लिए कामयाबी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो हम कामयाबी उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान ख्वाब देखता है और वो उस ख्वाब को पूरा करता है या पूरा करने की कोशिश करता है और वो पूरा कर लेता है उसे, तो उसको हम कामयाबी कहते हैं। उस कामयाबी को हासिल करने के लिए, उस डिज़ायर को हासिल करने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करता है। वो कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं, अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकेगा। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ चीज़ें प्लान कर ले अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए। ऑब्वियसली उसको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि मेरी कामयाबी की राह में ये चीज़ें हायल हैं, मैंने इनको किस तरह से ख़त्म करना है, मैंने इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है। तो वो जब अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने लगेगा बजाय कि दूसरों की मदद लेने के, खुद से अपनी एनर्जी उस पर इनपुट करेगा तो उसको समझ लग जाएगा कि बेसिकली कामयाबी है क्या और वो कामयाबी हासिल किस तरह से कर सकता है। जो इंसान लगन रखता है कामयाबी की, या जो इंसान इस चीज़ की ख्वाहिश रखता है कि वो जो अपनी कामयाबी है या अपना ड्रीम है उसे पूरा कर ले, तो वो ज़रूर कोशिश करेगा, वो ज़रूर अपने गोल सेट करेगा, वो उन गोल्स पे काम ज़रूर करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर शख्स की कामयाबी की डेफिनेशन डिफरेंट है। कुछ लोग पैसे को कामयाबी कहते हैं, कुछ लोग शोहरत को कामयाबी कहते हैं, कुछ लोग अगर अपने रिश्तों में मजबूत हैं वो उसको भी कामयाबी मानते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कामयाबी को किस तरह से डिफाइन कर रहा है। जी माहम, शुक्रिया, आपने कामयाबी को इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारे लिए समराइज़ किया, इसकी डेफिनेशन को। तो कामयाबी के जो बेसिक गोल हैं, जो उसकी फंडामेंटल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल की जा सकती है, उनको ज़रा ब्रीफली बता दें कि वो हैं कौन से, फिर हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्रीफली अगर मैं उनको बताऊं तो उनमें मैं सबसे पहले मैं बात करूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा तो समझे उस कामयाबी क्या, वो अपनी ज़िंदगी में मूव भी नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी इंसान बिल्कुल का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो आपकी स्टडीज से रिलेटेड है, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड है, चाहे वो आप कोई भी घर का काम करें। जब तक आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले रिस्पॉन्सिबल बना जाए, और रिस्पॉन्सिबल होने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप में देखे कौन सी कमियां हैं और कौन सी चीज़ आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जो चीज़ आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं ऑब्वियसली उस पर आप कम फोकस करेंगे, जो चीज़ आप अच्छे से काम नहीं कर सकते, जो परफॉर्म नहीं कर सकते उस पर आपको काम करने की ज़रूरत ज़्यादा होगी।
इसी तरह अपने आप को मनवाइए, अपने आप को किस तरह से मनवा सकते हैं, वही बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम अच्छे तरीके से ले सकेंगे, लेके चलते हैं, तो हम इर्द गिर्द के अपने इन्वायरमेंट में भी लोगों को बता सकेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे में ये अबिलिटी है, मैं ये वाले काम परफॉर्म कर सकता हूँ। या जो जिस भी जगह में आप जाते हैं, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं अच्छी, तो आप अपने आप को अप्रूव कर लेते हैं। तो एक एक ये तरीका भी है, ये एक अच्छा गुरु है कि आप अपने आप को प्रूव करवाएं, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, चाहे वो आपकी वर्किंग की मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेज करना, अपने काम को मैनेज करना कि काम किस तरह से, किस वक्त पे कौन सा काम किया जाए। और अगर हम बात करते हैं कि सोने का टाइम है, हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप उस टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे, तो ऑब्वियसली आप अपने बाकी जिंदगी की रूटीन के काम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपके सोने का टाइम कौन सा है? बाय नेचर अगर हम बात करें तो रात का टाइम, अगर आप रात को ठीक नींद नहीं ले रहे, तो आपकी सारा दिन की परफॉर्मेंस जो है वो डल होगी। आप बेशक जितनी मर्जी इनपुट कर लें, बेशक जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप काम वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा आप रात की नींद के बाद कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि जी मेरी नींद तो पूरी है, लेकिन फिर भी मैं डलनेस फील कर रहा हूँ। नींद का कैसे पूरी करते हैं लोग? सारी रात जागते हैं और दिन में 8 घंटे सो लेते हैं, लेकिन वो हमारा जो नॉर्मल फिनोमिना है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से हम बाकी चीजें मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको मैनेज किया जाए, उसके बाद आप फर्दर किसी और काम की तरफ आए। जब आप अपना खाना पीना, अपना सोना जागना, अपने पढ़ने की रूटीन, खाने की रूटीन, इन सब चीजों को ठीक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी जो बाकी चीजें भी हैं वो ठीक होने लगती हैं। ठीक बिल्कुल। तो माहम, तालीम का और कामयाबी का इसका जो लिंक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे एलेबोरेट करें कि इल्म और कामयाबी ये किस हद तक एक दूसरे से लिंक्ड हैं, किस हद तक इल्म जरूरी है और किस हद तक इसको पाने की जस्तजू करनी चाहिए। बिल्कुल नूर, जिस तरह मैंने पहले बात की, हर इंसान ख्वाब देखता है कि वो कोई अपनी ज़िंदगी में गोल अचीव करे। ऑब्वियसली उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आप कामयाब हो सको। आपने अपना एक ड्रीम सेट किया हुआ है, आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए होता है। विदाउट नॉलेज आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अब एक चीज़ ये भी है कि अगर आप सिर्फ तालीम हासिल कर लेते हैं, सिर्फ चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो भी आप नहीं कामयाब हो सकते। तालीम के साथ साथ आपकी स्किल्स भी ज़रूरी हैं। आप उन स्किल्स पे काम करते हो, स्किल्स आपको, वो चाहे आईटी की स्किल्स हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल रूटीन में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसकी स्किल्स डिफरेंट है। हर काम की, हर कामयाबी के सफ़र की स्किल्स डिफरेंट है, तो आपने वो स्किल्स भी लेनी होती हैं उस एजुकेशन के साथ साथ। आप विदाउट एजुकेशन वो स्किल्स भी नहीं ले सकते। अगर आप चीज़ें, आपको, आपके पास इलम ही नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप स्किल्स किस तरह से सीख सकते हो? एक चीज़ नॉलेज हो गई, एक स्किल हो गई, इसके साथ साथ एथिक्स, एथिक्स बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। आपकी, आपका इखलाक किस तरह से है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप क्या वैल्यूज सेट किए हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, तो आपको वैल्यूज़ जो हैं वो एजुकेशन से ही मिलती हैं। आप विदाउट एजुकेशन आप अपनी वैल्यूज़ किस तरह से जान सकते हैं? अगर हम अपनी बात करें, अगर एक बिल्कुल बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वो घर में रहेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि वो सोसाइटी में किस तरह से मूव करेगा, वो बाकी लोगों के साथ किस तरह से बोले चलेगा। बेशक वो अपने घर वालों के साथ एक अच्छे तरीके से रहेगा, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, जब वो फील्ड में आएगा, तो उसके लिए मुश्किल होगा कि वो दूसरे लोगों के साथ बातचीत कर सके। वो झिझक में ही रहेगा कि वो बात नहीं कर सकता, ये लोग नए हैं मेरे लिए, या इन लोगों से मैं किस तरह से बात करूं, या मैं बात करूंगा तो ये आगे से किस तरह से बिहेव करेंगे, और अगर ये बिहेव करेंगे तो मुझे किस तरह से बिहेव करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें नॉलेज से मिलती हैं। अगर नॉलेज नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, हम ये चीजें किस तरह से सीख सकते हैं? बिल्कुल सही। और माहम, इसके बाद हम बात करते हैं नज्म व ज़ब्त की, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हमें, जिसे बचपन से हमारे जहन में डाला जाता है, डिसिप्लिन हमें स्कूल में बहुत भरपूर तरीके से सिखाया जाता है, हमें फॉलो करवाया जाता है, मुख्तलिफ उसूल होते हैं, डिसिप्लिन के मुताबिक आपको सब काम करने होते हैं। तो डिसिप्लिन का और कामयाबी का बहुत गहरा ताल्लुक है, ये बात तो हमें बचपन से ही सिखा दी जाती है, बिल्कुल मगर इस पे मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इन दोनों का।
नूर देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट की बात की, मैंने जी मैनेजमेंट की बात की तो डिसिप्लिन भी उसी की एक टर्म है, ठीक है। हम अगर इसको डिसिप्लिन की बात करते हैं, हम मैंने सोने की बात की, मैंने उठने की बात की, मैंने खाने की बात की, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आती हैं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करें, अगर मैंने अपने एक दिन की रूटीन डिफरेंट रखी और मैं दूसरे दिन की रूटीन डिफरेंट रख रही हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, मैं एक अच्छे तरीके से लेके नहीं चल रही, मेरी लाइफ डिस्टर्ब ही रहेगी। मुझे डिसिप्लिन कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? मैं अपने एक पूरे दिन पे काम करूंगी, उसके बाद में सेकेंड डे भी उसी पे काम करूंगी। मुझे वर्क करना पड़ेगा उस पे कि मैंने कौन सा काम किस वक्त में करना है डिसिप्लिन के साथ, यानी इस टाइम में मैंने यही काम करना है। मैं ये नहीं कर सकती कि अगर मैंने अपने लिए टाइम निकाला है, 30 मिनट्स मैंने अपने खाने के लिए निकाले हैं, तो अब मैं घंटा जो है वो बैठ के खाना ही खाती रहूँ या मैं वेस्ट कर दूँ। लेकिन अगर मैंने अपना 30 मिनट्स टाइम खाने के लिए निकाला है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से उसमें यूटिलाइज करूँ, बाकी चीज़ें मैं छोड़ दूँ उस टाइम पे, खाने के टाइम पे मैं चीज़ें छोड़ दूँ, बाकी मैं अपना फ़ोन साइड पे रख दूँ, मेरा जो फोकस है वो मेरे खाने पे होना चाहिए। इसी तरह हमारे, अगर हम सोते हैं तो सोते वक्त भी हमें, हमारा फोकस हमारी नींद पे होना चाहिए। हम लोग आजकल क्या करते हैं, हमारे पास सेल फोन होता है, हम रात को सोते वक्त लेट नाइट इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हमारे माइंड पे उसका इफेक्ट आता है, वो नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। तो अगर आप सोना चाहते हैं, एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं और अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहते हैं, तो भी आपने अपना फोन साइड पे रखना है। इसी तरह अगर मैंने खेलने का अपना टाइम डिसाइड किया है, या मैंने अपनी कोई ऐसी एक्टिविटीज रखी हैं जो कि मेरी 1 आवर की है, ठीक है, तो मुझे उस पर 1 आवर ही स्पेंड करना चाहिए, ना कि मैं उस पर 2-3 घंटे एक दिन में जाया कर दूँ। तो उससे क्या होगा, मैं अपना टाइम जो है वो मैनेज नहीं कर रही, मैं डिसिप्लिन में नहीं रह रही, मैं अपने टाइम की शिफ्ट कर रही हूँ, उससे मेरे बाकी जो काम है वो डिस्टर्ब होंगे। अगर 3 घंटे मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को दे दी हैं, तो फिर मेरी अपनी जो पर्सनल, जो मेरे काम है, जो मेरी एजुकेशन से रिलेटेड है या जो मेरे करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस वजह से हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन होना और उसके साथ मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सही। और माहम, इसके अलावा हम मेहनत की बात करते हैं, मेहनत, जहदे मुसलसल, अमले पहम, ये सब चीज़ें, इन पे कई शौरा ने, कई उस जो बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस बात पे जोर देने की कोशिश की है कि कामयाबी का ताल्लुक जहदे मुसलसल से है, कि आप गिरें और फिर उठें, गिरें और फिर उठें। ये वाली चीज़ देखिए, कामयाबी में क्योंकि रुकावटें तो आती हैं, ये लेकिन जो जहते मुसलसल है, इसका बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है कामयाबी के साथ। अब बिल्कुल इस पर ऐसे मैं ही। चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि हमारे सामईन को पता चले कि गिरना तो होता ही है, क्योंकि एक शहसवार मैदान जंग में गिरता है, लेकिन इसके गिरने के बाद उठने का, यानी कि जहते मुसलसल का कितना अहम किरदार है कामयाबी तक पहुँचने में, इस चीज को प्लीज एक्सप्लेन करें। बिल्कुल बिल्कुल नूर, आपने बहुत अच्छी बात की कि जहते मुसलसल बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। इंसान अगर ये कोशिश करे कि मैं अभी 1 साल के अंदर अंदर कामयाब हो जाऊं और मुझे बहुत कोशिश भी ना करनी पड़े, मैं एक ही दफ़ा कोशिश करूं और सारी चीज़ें हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने काम के लिए पैशनेट रहना पड़ता है, आप अपने काम के लिए लगन दिखाते हो, उसमें लगन से काम करते हो, अपनी डिटर्मिनेशन रखते हो, अपने गोल्स पे फोकस करते हो, तभी आप कामयाब होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दफ़ा ट्राई कर रहे हो, वो आपकी ट्राई जो है वो पूरी नहीं हो सकी, कोशिश नाकाम रही है, तो उसमें आपकी कोशिश नाकाम होने में बिल्कुल ये मतलब नहीं है था कि आपने उसमें से कुछ भी नहीं सीखा। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने एक कोशिश की है और उसमें से आपने कुछ सीखा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल। आपने एक कोशिश की है, अगर आप उसमें कामयाब नहीं हुए, तो उसमें से भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। वो किस तरह की चीज़ें सीखी हैं, आपको पता है कि मैंने ये वाले काम कर सकता हूँ, मैं ये वाले काम कर लूँगा, लेकिन कुछ ये वाले काम है जो मैं नहीं कर पाया, तो आपने क्या करना है, या तो उस तरीके को जो चेंज कर लेना है, या फिर आपने क्या करना है कि आपने उन चीज़ों पे काम करना है जो आप नहीं कर सके। जो चीज़ें आप पहले कर चुके हो, ऑब्वियसली वो दोबारा भी आप कर लोगे, लेकिन जो चीज़ें आप नहीं कर सके, वो आपको दोबारा से करनी पड़ेंगी। तो आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, बार बार आप उस पे काम करते हो जो आप चीज़ कर नहीं पाते, और एट द लास्ट एक टाइम ऐसा आता है कि आप वो सारी चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं। और जब एक कामयाबी मिल जाती है, तो फिर इंसान को, मैं कहती, जिस तरह
कामयाबी की लगन नहीं हो जाती कि इंसान एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो फिर आप दूसरी कामयाबी की तरफ बढ़ते हो। दूसरी कामयाबी में भी इस तरह हो सकता है, हो सकता है आप पहली दफा में ना अचीव कर सको अपना गोल, आपको दोबारा से वो काम करना पड़े। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपने अपनी डिटर्मिनेशन रखनी है, आपको पेशनेट होना चाहिए, आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ साथ आपने जो है अपने स्किल्स पे भी काम करना है कि आपकी स्किल्स, ये नहीं है कि आपने जहां से स्टार्ट किया था अभी तक आपकी स्किल्स वहीं पे हैं। अगर आपने जहां से स्टार्ट किया था स्किल्स वहीं पर हैं, तो हो सकता है आपकी जो कामयाबी का सफर है जो वो थोड़ा स्लो हो जाए। इसलिए जरूरी है कि उसको भी कंटिन्यूस रखा जाए, अपनी स्किल्स को भी साथ साथ एनहांस किया जाए, और अपनी डिटर्मिनेशन पे भी जो है वो फोकस किया जाए, अपने गोल्स पे फोकस किया जाए। जी, मतलब कि परसेवरेंस और एंड डिटर्मिनेशन, जो कि इंग्लिश में दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, मोटिवेशन। जी बिल्कुल, वाहम, इसके अलावा, जी, आप कहिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे नूर। जी वाहम, मैं कह रही हूँ कि परसेवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये दो अल्फाज हैं जिनको अंग्रेजी में मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि साबित कदम रहिए और इसके अलावा डिसिप्लिन रहिए, साबित कदम रहिए और डिटर्मिन रहिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा जी है, जी जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास 100% रिजल्ट नहीं आता, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे समी इलियास का क्वेश्चन है हमारे पास, वो यही पूछ रहे हैं कि जी हार्ड वर्क करते हैं उसके बावजूद हमारे पास 100% रिजल्ट नहीं आता। समी, जिस तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है, मैंने अभी आपसे बात की कि कुछ आपके फेलियर्स होते हैं, कुछ चीजें आप अचीव नहीं कर पाते, लेकिन कुछ चीजें आप अचीव कर लेते हो। लेकिन जब आप दोबारा उस काम को करते हो, दोबारा उसको किसी और तरीके के साथ करते हो, तो आप वो वाली अचीवमेंट भी कर लेते हो। ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क तो ये तो हमने करना ही करना है, ये हमारी कामयाबी में ये जरूरी है बहुत, लेकिन हमने उसमें अपना जो है जो इंटरेस्ट है वो लॉस नहीं करना, अपना जो पैशन है वो लॉस नहीं करना, अपने गोल्स को फोकस रखना है, उसको फोकस रखना है। गोल्स को फोकस रखते हुए ही हम जो है बाकी जो आपके 100% में से रिजल्ट रह गए उसको भी अचीव कर लेंगे। टाइम लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपकी एनर्जी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकोगे, आप उन बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसको भी आप हासिल कर लोगे। ठीक। और इसके अलावा माहम, एक और फैक्टर मेरे जहन में आ रहा था कि आजजी और इनकिसारी, जो हमें जी जी बचपन से एक और बात सिखाई जाती है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेशक बेनसीब, ये भी बताया जाता है। बेशक, तो इसका भी एलैबोरेट करें कि बाअदब होना, जो इनकिसारी होना, ये पर्सनालिटी के ऐसे ट्रेट्स हैं जो ये कामयाबी की तरफ पहुंचाते हैं, तो इनका किस हद तक किरदार है कामयाबी के हसूल में? नूर आपने एक वो कहावत तो सुनी होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है? बिल्कुल तो आजजी अदब, हम जब किसी को रिस्पेक्ट देंगे तभी हम रिस्पेक्ट बैक में लेंगे, अगर हम नहीं दे रहे तो हम नहीं ले सकते। इसलिए आजिज होके चलना किसी भी काम में बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर आप प्राउड फील करने लग जाओगे ना कि जी मैं तो ये चीज बन गया हूँ, तो आप पीछे रह जाओगे, आप अपने आप को पीछे पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगे हो कोई ऐसी चीज है, कोई अफलातून चीज बन गई हो। ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा अपनी जिंदगी के हर कदम पे मेहनत की जरूरत पड़ती है, आजजी की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, उन बहुत सारे लोगों समटाइम आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर आप इस एटीट्यूड में रहोगे कि मैं तो बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ तो मुझे तो किसी की भी जरूरत नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक इंसान अकेला कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए जरूरी है कि दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहा जाए और उनको भी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, खुद भी अच्छे तरीके से ट्रीट हुआ जाए। इसलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, आजजी के साथ रहना, किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट देना भी उतना ही जरूरी है जितना हम खुद चाहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, किसी को बिल्कुल, माफ करना इतना जरूरी है कि हम चाहते हैं कि हमें भी माफ किया जाए हमारी गलतियों पर, तो इसी तरह जरूरी है कि दूसरे को भी हम लोग माफ करें। ऐसा ही है जी महम। तो आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है हमारे लिए, जो मुख्य स्टेप्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर एक
और मसला आता है, जी जी एक स्टूडेंट्स को एक दरपेश आता है मसला। वो सोचते हैं कि पाबंदी वक्त जो है उसका हमेशा से सुना जाता है कि बहुत बड़ा किरदार है कामयाबी के हुसूल में पाबंदी वक्त का। तो इसको एलेबोरेट करें। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी अक्सर कोशिश होती है कि मतलब पूरे वक्त पे पहुंचे, जब स्कूल जाना हो तो पूरे वक्त पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाना हो तो एग्जैक्ट वक्त पे, या फिर हो सकता है उससे लेट हो जाए, लेकिन उनसे पंक्चुअलिटी उनसे ना मेंटेन नहीं की जाती है। तो इसका भी बताएं कि कितना अहम किरदार है पंक्चुअल होने का, वक्त की पाबंदी का, क्योंकि हमारे अक्सर स्टूडेंट्स ये बात आखिर तक समझ नहीं पाते। जी नूर, बहुत अच्छी बात की। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, उसकी बहुत सारी रीजंस है, मैं कुछ चंद एक बताऊंगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक टाइम है 8 बजे मैंने किसी जगह पे पहुंचना है और मैं वहाँ पे नहीं पहुंच रही, तो 8 बजे वहाँ पे जो काम स्टार्ट होना है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं अपना अपना बहुत सा पार्ट मिस कर दूंगी उसमें। मैं अगर वहां नहीं पहुंची तो मैं अपना पार्ट मिस कर दूंगी, तो लॉस किसका हुआ है? मेरा हुआ है। मेरी इंफॉर्मेशन में, मेरे नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस में वो चीजें क्या है, गुम हो गई है, वो मैं दोबारा किस तरह से हासिल करूंगी? इसलिए वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है कि हम लोग अगर किसी भी काम को करें तो उसको भी एक प्रॉपर टाइम के साथ करें, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करें, जो टाइम हमें दिया गया हो उसी टाइम के अंदर रहते हुए हम उसको परफॉर्म करें। क्योंकि एक तो ये होगा कि हम जो है उस जहनी टेंशन से बच जाएंगे कि मुझे लेट पहुंच गई तो मेरी ये चीज रह जाएगी। इंसान जब भी हमेशा किसी भी काम से लेट होता है ना, तो वो एक जहनी टेंशन में जरूर रहता है, उसको एक स्ट्रेस जरूर रहता है कि यार मैंने जल्दी पहुंचना है यहाँ पे, अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाऊंगा तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। उस टेंशन से बचने के लिए, जो कि आपकी जहनी हालत को खराब कर रही है, जो कि आपके लिए जहनी मसाइल पैदा कर रही है, उससे बचने के लिए वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। और अगर आपका जहनी हालत आपकी ठीक है ना, तो आप अपनी जिंदगी के तकरीबन 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 हर शोबे में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो आप कहीं भी हो जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो अपने जहन को, जहनी हालत को बेहतर बनाने के लिए ये आपका जो है ये वाला पैटर्न या वक्त की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल माह मैं समझ गई। और इसके अलावा मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि कामयाबी में अज्ज इंकसार की तो हमने बात कर ली, पंक्चुअलिटी की भी हमने जी बात जी कर ली, इसके अलावा किस हद तक जो नज्म व जब्त है उसकी अहमियत है ये भी हमने बात कर ली। इसके अलावा कामयाब होने के लिए पर्सनैलिटी में आपकी किस किस्म के ऐसे ट्रेट्स हैं जिनका, जो कोई एक्स्ट्रा ट्रेट्स जो कि आप खुद से डिस्कस करना चाहेंगी, या आप हमारी पब्लिक को बताना चाहेंगी कि ये वाली बात भी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए, इसको डेवलप करना चाहिए ताकि कामयाबी को पाना आसान हो जाए। जी बिल्कुल नूर, आपको अपने इनर को सुनना चाहिए, यानी कि अगर आप सेल्फ टॉक कर रहे हो तो आपकी सेल्फ टॉक जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव होनी चाहिए। आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। अगर आपको कोई और मोटिवेट नहीं करा, सबसे पहले आपने खुद को खुद मोटिवेट करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करते कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तो आप वो काम शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद पे बिलीव करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप वो काम स्टार्ट भी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए कोशिश भी करेंगे। जब आपने एक काम शुरू कर लिया है, आप उसके लिए कोशिश जरूर करते हैं, तो जब आप कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आप उस काम की तरफ भी बढ़ेंगे, आप अपनी चीजों को अटेन करना स्टार्ट कर देंगे, या जो आप अपनी लाइफ में सक्सेस है उसे भी हासिल करना शुरू कर देंगे। इसी तरह एक और बहुत सारी चीज में हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को ये चीज बताई जाती है कि आप अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों में उठें बैठें। पॉजिटिव लोग कौन है? जो आपको बूस्टअप करें, जो बार बार आपको यकीन दिलाएं कि आप ये बिल्कुल कर सकते हो, ये पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है? ना कि ऐसे लोगों में या ऐसे दोस्तों में ना बैठें जो कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुमसे तो नहीं होगा। इस तरह के लोगों में उठने बैठने से परहेज करें, ऐसी कंपनी से अवॉइड करें। तो जरूरी है कि अपने आप को भी पॉजिटिव रखा जाए, अपने एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखा जाए। और लास्ट में अगर मैं एक चीज बात करूं कि हमें कौन कौन सी चीजों पे बेसिक फोकस करना चाहिए, आपने जिस तरह भी सारी चीजें डिफाइन की, मैनेजमेंट है, आपका डिसिप्लिन है, आपकी आजिज़ी इनकिसारी है,
उसके अलावा आपके जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, आपकी स्किल्स हैं, आपकी एजुकेशन है, इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन पे भी थोड़ा थोड़ा बेहतर करना शुरू कर देंगे ना, तो मेरे ख्याल में आप 1 महीने के अंदर ही अपने अंदर चेंजिंग जो है वो देखना शुरू कर देंगे। आपके अंदर चेंजिंग क्या आ रही है वो आप फेस करना शुरू कर बिल्कुल देंगे कि कौन सी अच्छी चेंजिंग है जो मेरे में आ रही है। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, अपने सोने की रूटीन को बेहतर बना ले तो आपके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ बिल्कुल जाएगी। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए रात को सोना, सुबह जल्दी उठना, ये हमारा फर्ज भी है कि हम नमाज पढ़ें। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो हमारे लिए ज़िंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत काम की बात बताई आपने माहम, ये वाली, ये तो बल्कि कहना चाहिए कि सोने की बात है, तो इसको जिस तरह कहते हैं ना, पल्लू से बांध लेना चाहिए, बिल्कुल इतने काम की बात है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जाहिद जान का। माहम, क्या कामयाब होने के लिए एक दूसरे से मशवरा जरूरी है या कामयाब होने तक खामोश रहना चाहिए? जी, बहुत जाहिर जबरदस्ती से जान सवाल का किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मशवरा भी जरूरी है, अगर हम हदीस के मुताबिक देखें तो मशवरा करने में हमारी जो है वो बरकत है, मशवरा करके चलना चाहिए। लेकिन कभी भी इस तरह अनाउंस नहीं करना चाहिए कि मैंने ये काम कर लिया है या मैंने अभी करना है ये काम, इस तरह से नहीं है। मशवरा आप किन लोगों से करते हो? मशवरा आप अपने अजीज अजीज और अकारब से करते हो जो आपके बहुत करीबी होते हैं, जिन पे आपको बहुत यकीन होता है कि मुझे ये एक अच्छा मशवरा देंगे, ना कि एक गलत मशवरा देंगे या दूसरे बिल्कुल लोगों तक ही मेरी बात पहुंचाने देंगे। एक चीज ये है कि आपने मशवरा किसके साथ करना है। आपको मशवरा करने के लिए एक अच्छे इंसान के इंतखाब करना पड़ेगा कि क्या वो मशवरा देने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने पूछी है कि कामयाब होने तक खामोश रहना चाहिए, बिल्कुल कामयाब होने तक खामोश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कामयाबी खुद बोलेगी। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि जी ये कामयाबी है मेरी और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो आपके सवाल का आंसर ये है कि मशवरा भी लेना चाहिए। मशवरा किस इंसान से लेना चाहिए? मशवरा जो आपका वेल विशर हो, जो जो आपके लिए अच्छा सोचता हो, वो आपको सबसे अच्छा मशवरा देगा। और खामोश रहना चाहिए अपनी कामयाबी तक, क्योंकि कामयाबी आपकी है वो खुद बोलेगी कि ये इंसान कामयाब हो चुका है। बिल्कुल। तो माहम, मैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल का एक शेर ऐड करना चाहूंगी, मैंने आज ही पढ़ा था ये सुबह के वक्त। यकीन मोहकम अमले पहम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो इसमें तीन फैक्टर्स का बहुत जिक्र खूब। किया हुआ है, तीन जी, फैक्टर्स का जिक्र किया हुआ है कि अमल आपने करते रहना है, यकीन आपने रखना है, और नेचर में ना आपने मोहब्बत और सुकून, ये चीजें पैदा करनी है। तो मुझे ये बहुत सईद मुश्किल अहमद का लगा भी था हमारे आज पास के सवाल। क्वेश्चन आया है, तो उनको भी जिस तरह अभी नूर ने एक शेर जी बोला है तो आपके सवाल का जवाब उसी शेर में है, ठीक है, कि आपने अमल भी करते रहना है, मुसलसल जद्दोजहद भी करते रहना है, कि सक्सेस आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। कभी भी आपने किसी एक पॉइंट पे जाके ये नहीं सोचना कि जी मैंने तो अपना सारा काम कर लिया है, मेरी जो जिंदगी का मकसद था वो पूरा हो गया है। हमारी जिंदगी का मकसद बिल्कुल मरते दम तक पूरा नहीं होता, इसलिए हमेशा जो है हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इससे एक और शेर याद आ गया मुझे। जी जी नूर, मंजिल, ये भी अल्लामा इकबाल का, ये मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। और मुझे इसका मिसरा याद आया, दूसरा मिसरा मेरे जहन में नहीं है, हो सकता है हमारे सामईन में से कोई इसको पूरा कर सके। हाँ जी बल्कि मुझे याद आ गया, आगे भी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। बहुत खूब नूर। तो मेरे ख्याल है कि हम अपने इस सेशन को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं अब, क्योंकि हमने काफ़ी डेप्थ में जाके इस बात को डिस्कस किया है कि कामयाबी के गुर कौन से हैं। उम्मीद करती हूँ कि सामईन को इससे बहुत अच्छी बातें हासिल हुई होंगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन लेते चलें शहजाद कुंभार का, कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो इस ये तो बहुत जबरदस्त बात कही है इन्होंने कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। बिल्कुल तो ऐसा ही इस है, बहुत अच्छी लिहाज बात से की है उन्होंने। माहम, इस लिहाज से हमारे जो इसकी एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, पिछले कुछ अरसे में जो हमारे पास TSS का रिजल्ट आया है,
उसमें बहुत सी इस तरह की एग्जाम्पल्स हमें देखने को बिल्कुल मिली ऐसा हैं। ही है नूर। बात यह है कि अगर आप मेहनत करते तो रहेंगे और आपकी जो मेहनत है वो कंटिन्यूस होगी, यानी कि आपने स्ट्रगल छोड़ नहीं दी, अगर आप कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप डेफिनेटली कामयाबी हासिल करेंगे, चाहे ये स्लो प्रोसीजर है चाहे ये फास्ट है, जब तक आप मेहनत कर रहे हो तभी तक कामयाबी आपके साथ है। जैसे ही आपने मेहनत छोड़ दी तो कामयाबी भी आपका साथ छोड़ देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सामईन, आप सुन रहे थे इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से एक मालूमाती प्रोग्राम जिसका टॉपिक था कामयाबी के गुर। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नया आपने अपने जहनों में बिठाया होगा और उसको अपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आगे भी इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से मजीद शोज देखते रहिए क्योंकि उनमें आपके लिए लाए जाते हैं मालूमाती प्रोग्राम जिनमें आपकी मदद के लिए बहुत सा कंटेंट शामिल किया जाता है, बहुत सारे ज़बरदस्त शख्सियात को बुलाया जाता है जो अपनी अपने एक्सपीरियंस से आपको एक रोशन रोशनी दिखाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे और माहम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।